OSI मॉडल की जो हमारी सबसे लोएस्ट या पहली लेयर है वो है फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर जो है इट डील्स विद द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंटरफेस। अब ये इंटरफेस बेसिकली क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें कि अगर दो टर्मिनल्स हैं और ये किसी एक फिजिकल मीडिया से या मीडिया से, ट्रांसमिशन मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरफेस वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो आप अटैच करते हैं कंप्यूटर में। तो वो जो इंटरफेस है उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस होंगे, किस तरीके का कनेक्टर की रिक्वायरमेंट है, और वो कनेक्टर जो है कहाँ किस स्लॉट में फिट होगा, उसमें कौन सी केबल लग रही है। जैसे हम किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन मीडिया ले सकते हैं, अगर अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया है तो उसके हिसाब से जो इंटरफेस है वो भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर फिजिकल लेयर जो है वो पूरा का पूरा जो मीडिया से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, जो कि एक पर्टिकुलर बिट स्ट्रीम को इस एंड से उस एंड तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है, वो सारे फंक्शन जो है फिजिकल लेयर करती है। सो ये जो इसके काम है वो बेसिक, जैसे हर एक लेयर है उसको अपनी अपर लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर मैं फिजिकल लेयर की बात करूँ तो इसके जस्ट ऊपर डेटा लिंक लेयर है। सो डेटा लिंक लेयर विल गिव अ फ्रेम टू द फिजिकल लेयर, एंड व्हाट द फिजिकल लेयर विल डू, जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा यहाँ पे होगा अलॉन्ग विथ इट्स हैडर एंड टेलर जो कि डेटा लिंक लेयर में डला रहेगा, उसको यहाँ पर फिजिकल लेयर विल रिप्रेजेंट इट इन अ फॉर्म ऑफ 1-0, जो भी एक फॉर्मेट रहेगा उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसको इस ट्रांसमिशन मीडिया पे भेजे, दूसरे एंड पे भी डेटा इसी फॉर्म में दिखाई दे जो भी डेटा है, और फिर उसे किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में सेंडर की डेटा लिंक लेयर पे दिख रहा था वैसा का वैसा बना के किसको दे दे, यहाँ पे रिसीवर की डेटा लिंक लेयर को दे दे। सो दिस इज हाउ द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, सॉरी द फिजिकल लेयर इज डन। नाउ इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो फिजिकल लेयर को करने हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं जो इसे करने हैं? सबसे पहले कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड इंटरफेसेस आर यूज्ड, ये भी फिजिकल लेयर डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके का ट्रांसमिशन मीडियम, वेदर इट इज़ अ ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल और इट इज़ एन ऑप्टिकल फाइबर केबल, या तो गाइडेड मीडिया है या अनगाइडेड मीडिया, मतलब स्पेस के थ्रू आप ट्रांसमिट कर रहे, दैट विल बी डिसाइडेड। उसके लिए क्या इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन होने चाहिए इंटरफेसेस के, वो डिफाइन किया जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज आपके इंटरफेस और मीडिया डिसाइड करना है। देन द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स ऐसा होना चाहिए ताकि दोनों एंड पे उसको समझा जा सके, मतलब जो भी बिट्स हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो कई तरीके के फॉर्म, कई तरीके की कोडिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये एक सिंपल नोटेशन है जिसमें मैंने एक वन और जीरो रिप्रेजेंट किया है। दिस वन एंड जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेनी अदर वेज, लाइक दिस इज ऑल्सो वन वे टू रिप्रेजेंट वन एंड जीरो, अ हायर वोल्टेज फॉर वन एंड अ लोअर वोल्टेज फॉर जीरो। किसी भी तरीके का लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक, निगेटिव लॉजिक, किस तरीके के एनकोडिंग हम कर रहे हैं, वेदर इट इज अ मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, वो सारे में कैसे बिट्स रिप्रेजेंट की जाती है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय फिजिकल लेयर। द थर्ड वन इज द डेटा रेट। डेटा रेट इट मीन्स हाउ मैनी बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ सेकेंड एंड वॉट मस्ट बी द विड्थ ऑफ द बिट। ये जो विड्थ है ये ज़्यादा है कम है, उसी पे क्या डिसाइड होगा, डेटा रेट भी डिसाइड होगा, कितने बिट्स पर सेकेंड हम भेज सकते हैं। लार्जर विल बी द विड्थ, लेसर विल बी द, हम एक सेकेंड में कम बिट्स भेज पाएंगे क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, अगर विड्थ कम है तो ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स भेज सकते हैं। सो ये रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करेगा और साथ ही साथ डेटा रेट फिजिकल लेयर डिफाइन करेगी। नाउ नेक्स्ट इज सिंक्रनाइजेशन। कभी भी जब भी ट्रांसमिशन होता है बिट्स के फॉर्म में तो सिंक्रनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, सो दैट बिट लेवल पे अगर सिंक्रनाइज होगा तभी जो फर्स्ट बिट है वो वहाँ पे फर्स्ट बिट रीड की जाएगी, सेकेंड बिट रीड की जाएगी एट द रिसीवर। सो इट्स नेसेसरी दैट बोथ द ट्रांसमिटिंग एंड एंड द रिसीविंग एंड मस्ट गेट सिंक्रोनाइज। तो उसके लिए कुछ टाइमिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं, फिजिकल लेयर डस दैट। नाउ नेक्स्ट इज
इट विल ऑल्सो डिसाइड द लाइन कॉन्फिग्रेशन. वॉट डू मीन बाई लाइन कॉन्फिग्रेशन? अरे भाई किस तरीके के लिंक से ये कनेक्टेड है, तो उसी हिसाब से आपके एक्सेस करने के तरीके भी चेंज होंगे. जैसे कि मान लेते हैं ये डेडिकेटेड पाथ है, इसे हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं, जिसमें एक ही लाइन से यहाँ पे जुड़ी हुई है. तो ये अगर ऐसे जुड़े हैं तब तो ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं तो भी ये डेडिकेटेड लिंक है. लेकिन अगर एक ही लाइन पे कई सारे टर्मिनल अटैच्ड हैं तो इसे कहेंगे मल्टी पॉइंट लिंक. तो किस तरीके का लाइन कॉन्फिग्रेशन, मल्टी पॉइंट कॉन्फिग्रेशन है या पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फिग्रेशन है, ये भी फिजिकल लेयर डिसाइड करेगी और उसके हिसाब से फिर डेटा ट्रांसमिशन चेंज होता है. नाउ किस लिंक से कनेक्टेड है और नेक्स्ट किस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, कौन कौन सी टोपोलॉजी पॉसिबल है, या तो स्टार से कनेक्टेड है या मैश है या बस है या रिंग है, एनी सॉर्ट ऑफ टोपोलॉजी, उसके हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है फर्क हो जाता है. तो फिजिकल लेयर विल डिसाइड द टोपोलॉजी, जिस भी तरीके की टोपोलॉजी चूज की गई है. एंड द लास्ट वन जो कि बहुत जरूरी है कि हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूज करें. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ट्रांसमिशन के तीन मोड्स हैं, या तो सिंप्लेक्स हो सकता है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता है. वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक यहाँ पे हमेशा सेंडर रहेगा और एक जो रहेगा यहाँ पे रिसीवर रहेगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा डेटा, इससे इसकी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होता. इसे कहते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और इट में भी हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन. हाफ डुप्लेक्स मतलब ये एक बार भेजेगा, दूसरी बार ये ट्रांसमिट करेगा. लिंक एक ही है, पहले ये ट्रांसमिट करेगा फिर ये ट्रांसमिट करेगा. और फुल डुप्लेक्स इट मीन्स बोथ कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली. तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिपेंड करेगा किस तरीके का फिजिकल मीडिया हमने चूज किया है, किस तरीके का मोड ऑफ लाइन कॉन्फिग्रेशन है, टोपोलॉजी, उस पर हिसाब से यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड भी सेट किया जाएगा. सो फिजिकल लेयर जो सबसे बेसिक लेयर है, जो सबसे लोएस्ट लेयर है, इट विल डील विथ ऑल दीज एस्पेक्ट, ये फंक्शन है इसके, जो कि मेनली डेटा के इलेक्ट्रिकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन, कैसा दिखता है डेटा, उसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इंटरफेसेस का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, उससे डील करता है.